नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज स्टिक्स या वेज कटलेट्स, जिसमें हम सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलिए बनाते हैं वेज कटलेट्स। इसमें मैंने 2-3 गाजर ली हैं जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, 2 शिमला मिर्च ली हैं वो भी मैंने बारीक काट ली हैं, और मटर और स्वीट कॉर्न यानी मक्का लिया है जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 4-5 कली लहसुन की हैं जो बारीक बारीक काट ली हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और तेल गर्म होने पर इसमें हम लहसुन डाल लेंगे, और 1 मिनट लहसुन भूनने पर हम हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, उसको भी ऐसे ही भून लेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसमें गाजर जो हमने काट कर रखी हुई थी और शिमला मिर्च और ग्राइंड किए हुए स्वीट कॉर्न और मटर वो भी डाल देंगे। स्वीट कॉर्न मैंने इसमें फ्रोजन लिए हैं तो इनको हम बारीक पीस लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे और इसमें हम आलू डाल देंगे जो कि 3 लिए हैं उबले हुए, और इनको थोड़ा सा मिला करके और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और इसमें लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 3/4 चम्मच अमचूर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ऑरेगानो डाल करके मिक्स करेंगे, और 1/2 कप पोहा भी डाल देंगे। ये पोहे से इसमें जो है बाइंडिंग आएगी, और इसे हम मिक्स करने के बाद एक पैन लेंगे। पैन में हम एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे और उसको अच्छे से फैला करके लगा करके, और उसके ऊपर हम मिक्सचर डालेंगे और मिक्सचर को अच्छे से दबा दके सेट कर देंगे, और उसके ऊपर से फिर हम इस पे फॉइल भी लगा देंगे सेट करने के बाद। ये ऐसे कर देना है और इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। बाय द टाइम हमारा मिक्सचर सेट हो रहा है तो हम 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर के उसको पानी में मिक्स करके एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी बनाने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, मेरे पास ब्रेड क्रम्स जो है कम थे तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके इसमें मिक्स कर लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। बाय द टाइम हमारा तेल गर्म होगा तो हम मिक्सचर को, 1 घंटा हो चुका है, मिक्सचर को फ्रिज में रखे हुए उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और उसको मनचाही शेप में काट लेंगे, और अब स्लरी में डाल करके इसको इसके ऊपर क्रम्स लगा करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे हम सारे रख लेंगे और फिर एक साथ ही हम इन सबको फ्राई करेंगे। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने ये सारे ब्रेड क्रम्स लगा करके सारी वेज स्टिक्स बना करके रख ली हैं। आप इसमें अपनी मनचाही सब्जियां भी डाल सकते हैं जो आपके बच्चे या आप लोग खाना चाहें। अब हम इनको एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे और मीडियम आंच पर इनको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। अभी हमें इसको ज़्यादा जल्दी जल्दी छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये टूट सकती हैं, और ऐसे हम इसको फ्राई करके कढ़ाई के साइड में लगा करके इसको और इन्हें निकाल लेंगे, और इस तरह हम अपनी सारी वेज स्टिक्स फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये हमारी वेज स्टिक्स बनकर तैयार हैं। इन्हें आप सॉस या हरी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं, और इस मिक्सचर को आप कटलेट की शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।